सूबिया के अलावा ये हरकत कर कौन सकता है? What? अब जूबी पे शक कर रही हैं? शक नहीं बेटा, मुझे यकीन है। मामा प्लीज, अब आप गलत कर रही हैं। जूबी भला ऐसा क्यों करेगी? अपने घर में कोई चोरी कैसे कर सकता है मामा? दिस इज नॉट पॉसिबल। तुम नहीं समझती बेटा, जूबिया जो कुछ कर रही है ना आजकल, हमें से किसी को भी यकीन नहीं आएगा। उसके अलावा ये चोरी कोई और नहीं कर सकता। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके। मॉम, मॉम, आपको सोफिया को इस तरह से हर्ट नहीं करना चाहिए था। आखिर वो मेरी मर्जी और रजामंदी से ऑफिस जाती है, उसके ऑफिस जाने में आपको क्या इतराज हो सकता है? अच्छा, तो तुम बीवी की वकालत करने के लिए यहां आए? शर्म नहीं आती तुम्हें मां से इस अंदाज में बात करते हुए बीवी के लिए? मॉम, अचानक आपके बिहेवियर में इतनी तब्दीली क्यों आ गई है? आखिर उससे ऐसी क्या गलती हो गई? गलती उसकी नहीं, गलती हम दोनों की है। बहुत ढील दे रखी है उसे। तुमने सुना नहीं था डॉक्टर ने क्या कहा था? ओवरवर्क की वजह से उसका बीपी लो हो जाता है। मॉम, बीपी तो ऊपर नीचे होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए बड़ी बात है, इस घर के लिए। उसकी हेल्थ बहुत जरूरी है, वो इस घर की बहू है, उसी ने इस घर को वारिस देना है। अगर इसी तरह अपने बाप के कारोबार में अपना सर खपाती रही तो कभी मां नहीं बन सकेगी। ओ, तो असल बात ये है असल मसला। बेटा, मैं इसके दुश्मन नहीं हूँ, मैं उसका भला चाहती हूँ, इसीलिए मैंने उसे ऑफिस जाने से मना किया था। तुम उसके शौहर हो, समझाओ उसे। For God's sake, mom, अभी एक ही तो साल गुजरा है, कौन से ऐसे 5 साल गुजर गए? आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं? Anyways, please, आप सोफिया को ऑफिस जाने से मत रोकें। और हम कौन से कोई पुराने ख्यालात के लोग हैं जो अपनी बहू बेटियों को घर से बाहर निकलने पे पाबंदी लगा दें? मैं चलता हूँ। देखा तुमने कितनी मक्कार औरत है, ताकि तुम उसे दबके रहो। दबकर रहती है मेरी जूती, मैं तो सिर्फ आपकी वजह से चुप हूं खाला। वरना इस औरत के साथ मैं ये करती कि उसको पता लग जाता। खैर, मुझसे नहीं होती अभी एक्टिंग शेक्टिंग, बहुत हो गया सब। एक्टिंग तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, तब तक जब तक जुहेब का दामन उस चुड़ैल से नहीं छूट जाता। खाला, बट मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं, मैं हिपोक्रेट बनके नहीं रह सकती हूँ ज़्यादा देर। इस दुनिया में जीने के लिए थोड़ी बहुत मुनाफिकत तो करनी ही पड़ती है, कुछ अपनी माँ और बहन से ही सीख लो। खाला, लेक्चर्स छोड़ें और अब मुझे इस मसले का हल बताएं। कौन सा मसला? खाला, मैं पागलों की तरह जो भौंक रही हूँ आपको सुन भी रही थी? खैर, मैं जो आपसे डिस्कस कर रही थी, यार मामा को मेरे पे शक है, बल्कि शक क्या, उन्हें यकीन है कि वो पैसे मैंने ही चुराए हैं, और मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि अगर उन्होंने बाबा को बता दिया तो। तुम फिक्र ना करो, बिना सबूत के इतना घटिया इल्जाम वो लगा ही नहीं सकती। बाबा को सबूत दिखाने की उन्हें जरूरत क्या है? बकौल आपके वो तो बाबा को पता नहीं क्या कुछ पिलाती है ना, तावीज वगैरह, तो बाबा तो उनकी बात पे यकीन करेंगे। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ सोचने दो। हाँ, बहुत ही कमाल का आइडिया आया है, तुम ऐसा करो कि
सुहेब जी, आपने अम्मी से बात की? हाँ, मेरी अम्मी से बात हो गई है। कल से तुम दोबारा ऑफिस जा सकते हो। बस एक बात का ख्याल रखना कि ज्यादा काम मत करना और वक्त पे घर आना। मॉम को तुम्हारे ऑफिस जाने पे एतराज नहीं है, ज्यादा काम की वजह से तुम्हारी सेहत खराब हो जाती है, इसके अलावा और कोई और बात नहीं है। शायद वो ठीक कहती है, अब मैं अपना ख्याल रखूंगी। चलो, दैट्स गुड। अच्छा, यहां मेरे पास आकर बैठो, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। जी। मैं एक बात सोच रहा था कि हमारे बच्चे का नाम क्या होगा। बच्चे? हाँ, हमारे बच्चे का नाम। मैं सोच रहा हूँ कि अगर बेटा हुआ तो उसका नाम मैं इबाद रखूंगा, और अगर बेटी हुई तो जीनत। अगर तुम्हें कोई नाम पसंद हो तो तुम भी मुझे सजेस्ट कर सकती हो। जब वक्त आएगा देखा जाएगा। वो वक्त कब आएगा? हमारी शादी को पूरा एक साल गुजर चुका है। अब तो मामा भी बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने लगी है। परेशान क्यों होते हैं? अल्लाह पे भरोसा रखें। वो अपने ज़ुबिया बीबी को नाश्ते का कह दिया था? जी, बस अभी बुला के लेके आती हूँ। रहने दें बुआ, उसकी देर से उठने की आदत है, जब दिल जाएगा उठ जाएगा। अरे नहीं भाई, अब तो उसकी आदतें अच्छी हो गई हैं। अब तो वो सवेरे सो जाती है, जल्दी उठ जाती है, बल्कि कल तो मेरे सामने वो जॉगिंग पे भी जा रही थी। अच्छा बुआ, लो बड़ी उम्र है, ज़ुबिया बीबी खुद ही आ गई। बुआ, बुआ मेरी चेन किधर है? इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ कि मेरी चेन किधर है? ज़ुबी बेटा, बड़ों से बात करने का कौन सा तरीका है? पापा, वो मेरी गोल्ड की चेन है, आपने मुझे दी थी, इतने प्यार से बनवा के दी थी आपने मुझे। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी पर्सनल अटैचमेंट है उस चेन के साथ, एंड आई एम सो श्योर कि वो इसीलिए चोरी की है। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मेरी गोल्ड की चेन कहाँ है, मुझे बता दें। ज़ुबी, आओ यहाँ बैठो, बैठ कर बात करते हैं। इस तरह किसी पर इल्जाम नहीं लगाया जाता। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि इसी ने मेरी चेन चोरी की है। अब मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, आप सीधी तरह नहीं बताएंगी मुझे? कसम उठा ले साहब जी, मैंने चोरी नहीं की है, मेरे बच्चों की कसम, ये झूठा इल्जाम लगा रही है मुझ पे। बाबा, आप देख रहे हैं किस तरह झूठी कसमें उठा रही है। मैं आपको बता रही हूँ, ये औरत बहुत मक्कार है, इसी ने मेरी गोल्ड की चेन उठाई है, अब तो मुझे पूरा यकीन है। और मामा, मुझे आप एक बात बताएं, आपने इन लोगों को इतना सर पे चढ़ा के क्यों रखा हुआ है? इसको फौरन से पहले जॉब से निकाले और उससे पहले इसी कमरे की तलाशी लें। पता नहीं पिछले 20 साल में और क्या क्या चोरी किया होगा इसने। ज़ुबी, बिहेव योरसेल्फ, बगैर किसी सबूत के किसी पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। तो क्या करूं फिर मैं? अब आपको सीसीटीवी के क्या फुटेज लाके दिखाऊं? ज़ुबी, इनफ। बड़ों से बात करने का तरीका ये नहीं होता। मुझे कुछ नहीं पता, आप इसको इस जॉब से फारिग करें और उससे पहले इसी कमरे की तलाशी लें। जब तक ये यहाँ पे है, मेरी कोई चीज में महफूज नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आप इसको इस घर में रखें, बस। हाँ जरूर, मेरे कमरे की तलाशी ले लें, वहां से आपको कोई चीज नहीं निकलेगी, और अगर निकले तो मुझे नौकरी से निकाल दीजिएगा। बुआ, आप जाइए मेरे क्वार्टर में, जाइए। अरकुंदा, हमें इस मसले पर संजीदगी से सोचना पड़ेगा। ये हैरत की बात है, हमारे घर से उस दिन 1.5 लाख रुपए की चोरी, और अब इनकी चेन। तुम एक काम करो, तुम जाके घर के तमाम मुलाजमीन के क्वार्टर्स की तलाशी लो। लेकिन तौसीफ, इस तरह। लेकिन कुछ नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, अभी इसी वक्त तमाम मुलाजमीन के क्वार्टर्स की तलाशी, जाइए।
सुमित, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, तुम्हें बुआ से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। तो जो वो सब कर रही है उसको मैं नजरअंदाज कर दूं? चुप कर जाऊं? तुम्हारी मामा इस मैटर को टेक केयर कर रही थी ना? प्लीज बाबा, मामा क्या टेक केयर कर रही है मैं अच्छी तरह जानती हूँ और आप भी जानते हैं। वो उसकी साइड ही लेंगे और मुझे सबके सामने डांट रही थी, आप देख सकते हैं। अरे बेटा, डांट नहीं रही थी, तुम्हें समझा रही थी वो। बस करे बाबा, आप कितनी उनकी साइड लेंगे? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं जितनी भी मामा के साथ अच्छी बन जाऊं, वो कभी भी मुझे अपना नहीं समझेंगी। मैं सौतेली ही रहूंगी उनके लिए। आपको रजिया बुआ को इस घर से निकालना पड़ेगा, वरना ट्रस्ट मी, मैं ये घर छोड़ के खाला के पास चली जाऊंगी। खबरदार, खबरदार, जो आइंदा तुमने ऐसी कोई बात की तो खत्म करो इस मामले को। बल्कि एक काम करो ना, कल तुम्हें साथ चलना ज्वेलर के पास और अपनी पसंद की कोई सी भी ज्वेलरी खरीद लेना, ठीक है ना? चेयर अप, चेयर अप, चेयर अप, चेयर अप। थैंक यू। और गुस्सा कम करो। क्या हुआ बेटा, आज ऑफिस नहीं गई? दोपहर में जाऊंगी अम्मी, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का दिल कर रहा था इसलिए नहीं गई। अच्छा किया बेटा। बेटा, शादी के बाद औरत के लिए प्रायोरिटी उसका घर और उसका शौहर होता है। ये बिजनेस, कारोबार, नौकर, इनको देखने के लिए घर के मर्द होते हैं। औरतों को इन कामों में नहीं उलझना चाहिए। लेकिन अम्मी, मैंने तो आपकी इजाजत से ऑफिस जाना स्टार्ट किया था। हाँ बेटा, मैंने कब मना किया, तुम जाया करो। लेकिन अब देखो ना, घर में सारा दिन अकेली होती हूँ। अगर घर में बच्चे होते कितनी रौनक होती। अल्लाह हम पे करम करते। ठीक कह रही हूँ बेटा। ऑफिस कब जाओगी? 3 बजे। ऐसा करो, तुम ऑफिस का प्रोग्राम कैंसिल कर दो। लेकिन अम्मी, आज छोड़ो ऑफिस को। बेटा, आज मैं तुम्हें अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त से मिलाऊंगी। शी इज द बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट? हाँ बेटा, चेकअप करवाने के लिए। चेकअप किस लिए अम्मी? बेटा, वो बहुत अच्छी डॉक्टर है, तुम घबराओ मत। वो तुम्हारा चेकअप करेगी, तुम्हें दवाएं देगी। अल्लाह ना करे कोई कॉम्प्लिकेशन हो, लेकिन अगर हुई भी तो वो इलाज भी बताएगी। बेटा देखो, तुम्हारी शादी हुए 1 साल हो गया और तुम्हारे साथ मेरी 2 भांजियों की शादियां हुई थी। उनकी गोद अभी तक हरी हो चुकी है। बस अल्लाह हम पे करम करते। तरह से चेक करो, पूरे कमरे में चेक करो, हर बैग को चेक करो। मुझे अपनी चेन हर हाल में चाहिए। अच्छी तरह देख ले, अच्छी तरह, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। आप प्लीज खामोश रहिए, उसे अपना काम करने दें। बीबी जी, आप बहुत बुरा कर रही हो। एक बेगुनाह पे इल्जाम लगा के आप अच्छा नहीं कर रही हो। अल्लाह ताला आपको उसकी सजा देगा। आपकी जुर्रत किस तरह है कि मुझसे आपने इस तरह बात की? काम वाली अपने औकात में रहे। 20 साल हमारे घर में काम किया, गले क्या समझती हैं? घर के मालिक हैं आप? आपको तो बंदोबस्त में करके रहूंगी। बहुत सर चढ़ा लिया आपको मामा ने। और तुम क्या कर रहे हो? मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जल्दी करो, उस ब्रीफकेस में चेक करो। बेगम साहबा, मैं इतने सालों से इस घर में रह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की, मैं कसम उठा सकती हूँ।
इतना बड़ा इल्जाम लेके मैं कैसे यहाँ से जाऊँ? मैं जब तक साबित नहीं करूंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अजय सकीना रोना बंद करो, मैं तौसीफ साहब से बात करती हूँ। नहीं, आप बाबा से क्या बात करेंगी, मैं उनसे बात कर चुकी हूँ और उनका फैसला अटल है, इसको ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। जुबी तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि इस घर के फैसले करो, मैं जिंदा हूँ ना, सकीना इस घर में रहेगी या नहीं रहेगी इसका फैसला मैं खुद करूँगी। बहीर तुम बताओ सकीना के कमरे से कुछ मिला? बीबी जी कमरे में कुछ नहीं मिला। ठीक है जाओ तुम। देखा बीबी जी, मैं कह रही थी ना कि मैंने चोरी नहीं की है। चोरी तुम ही ने की है और बहुत सफाई से की है, जाके बेचती होगी किसी के पास इसने, और यहाँ पे खड़ी होगी मामा मगरमच्छ के आंसू। चुप हो जाओ। मैं कैसे चुप रहूं, मेरी चेन चोरी हुई है, मैं ही इस मामले में बोलूंगी ना। ये मामला मैं खुद हैंडल कर लूंगी, जाओ तुम कमरे में। लेकिन मामा मैं, जाओ तुम अपने कमरे में। सकीना चुप हो जाओ तुम, मैं देख लूंगी ना सब ठीक हो जाएगा। चलो शाबाश, चलो अपने कमरे में जाओ। हेलो खाला, यार किधर थी आप, कब से कॉल कर रही हूँ मैं आपको। अच्छा सुने, मैंने उस बुआ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया ना कि आपकी सोच है, और एक और बात, उसको मैंने इतना जलील किया कि आप सोच नहीं सकती। खैर ट्रस्ट मी, बहुत मजा आया। बस गरीब औरत पर बोहतान लगाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? वो बेचारी गिड़गिड़ाकर सबके सामने अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती रही और तुम चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रही, क्यों किया ये तुमने? मामा मैं वो, मत कहो मामा मुझे, मेरी बेटी इतनी बेरहम और संदल नहीं हो सकती, क्यों किया ये तुमने, क्यों रचाया ये ड्रामा, किसके कहने पर किया? आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो खाला को ये मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई कहानी, सब सुन चुकी हूं मैं। पहले तुमने मेरे कमरे से पैसे चुराए, फिर अपनी चेन बेच दी, और तुम पर इल्जाम ना लगे तो सारा इल्जाम तुमने उस बेचारी सकीना पर लगा दिया, खुद को बचाने के लिए तुमने एक गरीब औरत का इस्तेमाल किया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी भी गिर सकती। आपकी बहू की रिपोर्ट्स तो नॉर्मल हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई अच्छी खबर मिलेगी। वो डॉक्टर साहब इसलिए परेशान हो रही थी कि शादी को एक साल हो चुका है और मेरा बेटा इकलौता है, बस इसलिए खुशखबरी सुनने के लिए बेताब थी। बस आप अल्लाह से दुआ कीजिए और इनकी सेहत का खुराक का ख़ास ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, तौसीफ के सामने इसका रवैया कुछ और होता है और उनके जाते ही अपनी असलियत पर उतर आती। क्या करूं मैं इस लड़की का, तौसीफ की तबीयत पहले ही खराब है, उन्हें ये सब कुछ पता चला तो नहीं, फिलहाल मुझे ये सब कुछ छुपाना होगा उनसे।
बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। मामा ने सब कुछ सुन लिया है और अब वो जाके बाबा को बता देंगी कि सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी प्लानिंग थी ये सब। आपकी वजह से मैंने उस बेचारी बुआ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। बल्कि अब आप एक काम करें, मैं सब कुछ खुद संभालूंगी, आप कुछ दिन तक यहां मत आइएगा। हेलो, कौन? हेलो, सलाम बीबी जी, रजिया बात कर रही हूँ। आपको एक खबर देनी थी। आज बड़ी बेगम साहिबा छोटी बीबी को लेके अस्पताल गई थी। हॉस्पिटल? मगर क्यों? जी वो बड़ी बेगम साहिबा को पोता पोती की शदीद ख्वाहिश है, तो वो उनका इलाज कराने के लिए उन्हें अस्पताल लेकर गई थी। आप फिक्र मत करें, उनकी ये ख्वाहिश तो मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी। एनीवेज, आपको जो मैंने काम दिया आप बस वही करते रहें। पैसों की जहाँ तक बात है वो कुछ दिन तक मैं आपको और भिजवा देती हूँ। जी ठीक है। माय स्वीट आंटी, आपकी ये ख्वाहिश तो मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी। सुहेब के औलाद को देखने के लिए आप तरस जाएंगी। बेगम साहबा, मैंने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया। कोई गलती हो गई तो माफ कर दीजिएगा। क्या कह रही हो सकीना, तुम कहीं नहीं जाओगी? चलो शाबाश, अपना सामान रखो क्वार्टर में। नहीं बेगम साहब, अब इतनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं हो सकती। मैं कहाँ तक अपने बेगुनाही का सबूत दूँ? तुम्हें कोई सबूत पेश करने की जरूरत नहीं है। मैं और तुम्हारे साहब को तुम पर पूरा एतमाद है। चलो शाबाश, जाओ। नहीं बेगम साहब, अब मेरा दाना पानी उठ चुका है इस घर से। इतने बड़े इल्जाम के साथ मैं नहीं रह सकती। आप, मैंने इस घर का नमक खाया, मैं कैसे सामना करूंगी साहब का? मुझे जाने दे। सकीना, मेरा फैसला अटल है। तुम बेगुनाह हो मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ, और ये हकीकत मैं साहब के सामने बहुत जल्द ले आऊंगी। मगर बेगम साहब, लेकिन कुछ नहीं। देखो सकीना, पहले ही बहुत परेशान हूँ, जब मजीद परेशानी कर तो मेरी पुरानी मुलाजमा हूँ, मैं किस पर एतमाद कर सकती हूँ? पूरा घर संभाला हुआ है तुमने मेरा। चलो शाबाश, अब रोना वोना बंद करो और अपना सामान लो कोर्ट में, ठीक है? ड्रामेबाज औरत, जाओ अपना सामान रखो। तुमने डॉक्टर की बात सुनी? डॉक्टर ने क्या कहा तुमसे? वही नसीहत की जो मैं तुम्हें एडवाइजेस करती रहती हूँ। तुम अपना जरा भी ख्याल नहीं रखती हो, ना अपनी डाइट का, ना अपने आराम का। बस ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, घन चक्कर बनी रहती हो। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? जी अम्मी, सुन रही हूँ। बेटा, घर से बाहर निकला करो, घूमो फिरो, कोई शॉपिंग के लिए चली जाया करो। क्या कमी है किसी चीज की? सुन रही हो ना? जी अम्मी। अच्छा देखो, इस बात का जिक्र जोहेब से बिल्कुल मत करना। किस बात का जिक्र? नहीं कि हम डॉक्टर के पास गए थे, परेशान हो जाएगा ना। ठीक है, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अब जाते ही डाइट प्रॉपर करो, अच्छा सा।
बाबा के लिए लेके जा रही हैं। जी इस वक्त वो चाय पीते हैं ना। मैं ले जाती हूँ। सकीना जाना चाह रही थी, मैंने उसे रोक लिया है। अच्छा किया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम उसे रोक लोगी। ठीक है उसने गलती की थी, उसे सजा भी मिलनी चाहिए थी, लेकिन तुमने सही फैसला किया। और अगर तुम उसे ना रोकती तो मैं उसे यकीनन रोक लेता जाके। मुझे आपको एक बात और बतानी थी, समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं। बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब आए आप? बेटा अभी आया हूँ, थोड़ी देर हुई है। अच्छा, मैंने आपके लिए इलायची वाली चाय बनाई है। इलायची वाली बनाई ना, बस मेरी बेटी पहले से ज्यादा काबिल नहीं होगी। बल्कि एक काम करते हैं, आज हम शाम में शॉपिंग करेंगे और खाना भी बाहर खाएंगे, क्या ख्याल? Really? मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कहीं बाहर जाने को। आप जूबी को लेकर चल जाएं, किचन में थोड़ा काम है। अच्छी जाए है बहुत। पापा, मामा को क्या हो गया है? मैं जितना उनका दिल जीतने की कोशिश करती हूँ वो उतना मुझे इग्नोर करती हैं। मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है, शायद बस उसका दिल नहीं चाह रहा होगा ना। ऐसा नहीं है, वो इसलिए साथ नहीं जा रही क्योंकि मैं आपके साथ जा रही हूँ। मैं जितना उनके करीब जाने की कोशिश करती हूँ ना, वो उतना मुझसे दूर जाती हैं। वो तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं बदल गई हूँ। मैं उन्हें जितना मर्जी यकीन दिलाऊं वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। बहुत प्यारा ड्रेस है, थैंक यू सो मच जुहेब। खाना लगाऊं आपके लिए? नहीं, मैं क्लाइंट के साथ खाना खा कर आया हूँ। अच्छा, तो फिर कॉफी बनाती हूँ। नहीं रुको, कॉफी का मूड नहीं है, तुम यहाँ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या तुम आज मॉम के साथ हॉस्पिटल गई थी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्यों गई थी? वो अम्मी ने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना था। फॉर व्हाट? आप तो जानते हैं अम्मी को दादी बनने का कितना शौक है, बस आजकल उठते बैठते इसी मौजू पे बात करती रहती है। बाप बनने का तो मैं भी ख्वाहिशमंद हूँ। पत्नी ने मॉम इस इश्यू को लेकर क्यों इतनी सेंसिटिव होती जा रही है? अभी हमारी शादी को वक्त ही कितना गुजरा है, अभी से डॉक्टरों के पास जाने की क्या जरूरत है? मुझे बताया तक नहीं, मशवरा तक नहीं किया, तुम्हारा हाथ पकड़ा और वहां लेकर चली। आप प्लीज अम्मी से कुछ मत कहिएगा, उन्होंने मुझे मना किया था कि मैं आपको कुछ ना बताऊं। प्लीज। अच्छा, मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूँ। मैंने मना किया था, मुझे पता था कि तुम एतराज करोगे। जाहिर है मॉम, अभी शादी को एक ही तो साल हुआ है और आप अभी से नाउम्मीदी लेकर बैठ गई हैं। और प्लीज आप सोफिया से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार मत किया करें, वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील करती है, आजकल उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रहने लग गई है। बीवी की बहुत परवाह है तुम्हें और माँ की जरा सी भी परवाह नहीं है। खुद तो सुबह दोनों उठ के ऑफिस चले जाते हैं और मैं इस घर में अकेली दीवारों से बातें करती रहती हूँ। अब मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूँ? तुम कुछ मत करो, बस अपनी बीवी को खुश करने में लगे रहो। माँ का क्या है, वो जिए या मरे, तुम्हें क्या? मॉम, आप कब से ये टिपिकल औरतों वाली बातें करने लग गई हैं? आपके मुंह से इस तरह की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्यों, मैं इंसान नहीं हूं, मेरे एहसासात जज्बात कुछ नहीं है। अगर मेरे दो तीन बच्चे होते तो आज मैं तुमसे ये गले शिकवे नहीं कर रही होती। मगर क्या करूं,
तुम मेरी इकलौती औलाद हो। अपनी जिंदगी में इस घर में अपने पोते पोतियों को खेलते कूदते देखना चाहती हूँ, उनकी आवाजें उनकी हंसी देखना चाहती हूँ। कभी कभी तन्हाई काटने को दौड़ती, जिस घर में बच्चों की आवाजें सुनाई ना दे, वो घर घर में बेजान ईंटों का मकान रखता है। ये शेर सुनो, ये तुम्हारे लिए। उनका गिला उन्हीं के आगे कितने हम नाचार हैं, सूरत जिनकी देख के बस जीए चाहे प्यार करें। वाह, काश तेरे नसीब में हम होते, जिंदगी के करीब हम होते। मामा ये देखिए, मैं आपके लिए शॉपिंग करके लाई हूँ अपनी पसंद से। क्या जरूरत थी, मेरे पास तो पहले ही बहुत कपड़े हैं। हाँ, बट यू सी वो ओल्ड फैशन्ड है, मैंने सोचा कि मैं अपने पसंद से कपड़े पहनाऊंगी और बाबा आपको पहचान ही नहीं सकेंगे। आप देखना, मैं इनको इतना स्टाइलिश बना दूंगी कि आपकी सोच है। सच कहूं तो मुझे तुम्हारी मम्मा की इस सादगी बड़ी अपील करती है। इनका जो भी अंदाज है ना, मुझे बहुत पसंद है। डोंट टेल मी, आप खुद इतने स्टाइलिश हैं, आई मीन डिजाइनर वेयर पहनते हैं, और उन बेचारी को ऐसे सादे लॉन के कपड़ों में, दैट्स नॉट फेयर। तुम्हारी मम्मा शुरू से ही इतनी सिंपल और एलिगेंट है, और वैसे भी जिनसे प्यार होता है ना, उनका हर अंदाज अच्छा लगता है। अब तुम दोनों माँ बेटी आपस में बातें करो, मैं जरा जा रहा हूं स्टडी में, थोड़ा सा मुझे काम है। एक्सक्यूज मी। देखेंगे नहीं कि मैं आपके लिए क्या लेके आई हूं? लाइट कलर। वो ब्राइट कलर आपके रंग पे अच्छा नहीं लगेगा ना? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। मुझे सादे कलर्स अच्छे लगते हैं। तो अपनी बेटी को क्यों नहीं समझाती? अगर मैं उसे कुछ बोल दूंगी उसको तो बुरा लग जाएगा। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ। इजाजत मांग रही हो या इन्फॉर्म कर रही हो? क्या हुआ अम्मी, आप नाराज हैं मुझसे? नहीं, मुझे तो तुम दोनों से कोई गिला कोई शिकवा करने की इजाजत ही नहीं है। तुम दोनों की जिंदगी पर तो जैसे मेरा कोई हक कोई इख्तियार ही नहीं है। ना कोई मशवरा दे सकती हूँ, ना कुछ समझा सकती हूँ, बस मनमानी करते रहते। मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं, गलती तो मुझसे हुई है बेटा, जब मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले गई अपने बेटे को बताए बगैर। जब मना किया था तो क्यों बताया उसे, क्या जरूरत थी बताने की? लेकिन अम्मी मैंने तो ज़हीब से कोई बात नहीं की। बस बस, तुमने जो करना था कर चुकी हो। आज जिंदगी में पहली बार मेरे बेटे ने मेरी आंखों में आंखें डालकर बात की है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम तो अच्छी खासी फरमा बरदार लड़की थी, ये क्या अपनी बहन का रंग चढ़ा लिया है तुमने? पता नहीं क्या क्या पट्टियां पढ़ाती रहती है तुम्हें। अम्मी दीदी जी, जूस पीना? मुझे नहीं पीना।
पी लें जी, बेगम साहिबा ने कहा था आपको बगैर जूस पिए ऑफिस नहीं जाने दी।